الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم هياء عثمان وأقضاهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نور المؤمنين خليفة المسلمين قاتل المشركين والزنديقين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه کی فضولت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں
कोई सहाबी खुद नहीं बना, कोई नबी खुद नहीं बनता, कोई सहाबी खुद नहीं बना। अल्लाह फरमाते हैं अपने पैगंबर के लिए मैंने एक एक दाना चुन चुन कर दिया। सहाबा रुस्दो हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस चांद है तो सहाबा सितारे हैं। हुजूर की जात अकदस आफ्ताब नबूवत है, सहाबा इकराम उसकी किरणें हैं। नबी की नबूवत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के सहाबा इकराम को दरमियान में ना लाया जाए। नबूवत के आईनी गवाह, चश्मदीद गवाह, मौके के गवाह, सहाबा इकराम के सिवा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से जिब्रील को आते जाते देखा? वो कौन लोग हैं जिनकी शक्लें बनाकर के जिब्रील अमीन दुनिया में तशरीफ लाते थे? कुर्बान जाऊं उन सूरतों के जिनकी सूरतें जिब्रील अमीन को पसंद आई। बिहार कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, बड़ा खूबसूरत सहाबी था, जिब्रील अमीन उसकी शक्ल बना के आया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन शाहिद है, एक दिन जिब्रील अमीन काट का लिबास पहनकर आए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्रील आज ये तेरा क्या हाल बना हुआ है, तुझे कौन सी गुर्बत आ गई जो काट का लिबास पहनकर आया? अर्ज किया अल्लाह के पाक पैगंबर आज आसमान और जमीन वाले तमाम फरिश्तों का यही लिबास है। पूछा क्यों? फरिश्तों की क्या गुर्बत आ गई जो ताक का लिबास पहनते हैं? जवाब मिला कि आज सिद्दीक अकबर का यही लिबास था, खुदाबंद करीम ने सारे नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज जो मेरे सिद्दीक का लिबास है वही तमाम के तमाम लिबास बना लो। हजरत जिब्रील ने अमीन से पूछा तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई आरजू है? औरत की हसरत तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है, औलाद की तमन्नाओं से तू पाक है, खाने पीने से तू पाक है, कोठी बंगला बिल्डिंग से पाक तू है, तू तो नूरी फरिश्ता, तेरी भी कोई हसरत है? कहा एक हसरत है और वो ये कि आकाश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। कौन जाने इन हजरात की शान कितनी बड़ी है। फरिश्ते रश्क करते हैं, वो फरिश्ता जो सारे पैगंबरों को किताबें लेके आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया, वही लेकर के आया, दिन रात आया, वो फरिश्ता कहता मेरी तमन्ना है कि आकाश में जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कंधे पे उठा उठा के चलता। तो बात यहां से चली थी, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बतला रहे हैं। चुनाचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है, एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है, मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरजू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है, और वो सिर्फ ये है कि मेरा मेरी नजर हो, मेरे आका का रुख अनवर हो, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख और जलना हो, मेरे आका मेरी तमन्ना हर वक्त में आपको, हर आंख हर लम्हा हर घड़ी हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरजुओं पे इतना प्यार आया। फरमाया ओ मेरे सिद्दीक दुनिया में
लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई दो चार मर्तबा करेगा, कोई दस बीस मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई सौ पचास मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। ओ सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख हो जल ना हो, मेरी आंख इधर उधर ना हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरजू फिर भी पूरी ना होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकदा नुदास यौमल कियामा औ कमा कॉल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते है, हम कयामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मैं मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे सर पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, ओ मेरे परवरदिगार, ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, कयामत में मुझसे कोई हिसाब किताब ना होता, चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, कयामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी पसंदीदा शय ये है, मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलामा बुजुर्गाने दीन अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई है। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, टूवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा जैन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू चार पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है, खुदा की कसम जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है।
रोएगा वा खड़ा होकर वबूजी अल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही वकुलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتائیں گے اور رویں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا یہ تو میرا زمانے کے زمانے کا تھا یہ تو ابتدائی عمر تھی ملک بھی دوسرا تھا دیش بھی دوسرا تھا لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں آواز آئے گی کل بل تو کلبو نبی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تو ہم سے غافل تھا تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو مجھے بھلائے پھرتا رہا تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا جن کو یاد نہ کیا جوانی میں یاد نہ کیا بڑھاپے میں یاد نہ کیا سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے ایسو عشرت میں مجھے یاد نہ کیا شادی بیاہ میں یاد نہ کیا حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی برباد کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں رشتے دار بھی بن جاؤں میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہاں ہاں 6 سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں موجود ہیں کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ بھی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ذرا سوچو انسان بڑا مقبول ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے کوئی 40 سال کی ہے کوئی 55 سال کی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق دی ہوئی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے عمر مبارک تقریباً 50-51-52 تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا کسی کی فرمائش نہیں کسی کی سفارش نہیں لالچ کوئی نہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا گلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ 50 سال کی عمر ہو عمر تقریباً بیت چکی ہو مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے درختوں کے پتے چباتے چباتے
कौन है तुमने जो ऐसे आदमी को अपनी बेटी दे जिसकी खुराक दरख्तों के पत्तों के सिवा और कुछ ना हो और वो कभी पेट पे पत्थर बांधता हो और कभी कभी भूख की वजह से खड़ा भी ना हो सकता हो। ये कमाल है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि अपनी 6 साल की लगते जिगर सैयद अदिया मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए मेरे मिलक में मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई, ऐसा सिद्दीक रोने लगी और फरमाने लगी ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूँ जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की। तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में रुकू में बहुत कम मौत आ रही है, कैसे आए सजदा ही सही करने के आदि ने, सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुजद्दुल फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा तो जन्नत में नमाज होगी, एक आलिम बैठे थे उन्होंने कहा नहीं भाई जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम। तो मुझे तो दिल फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे यारो जन्नत में जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा, जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा, जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए उनको तो चैन नहीं आता, ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए, खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा और वो भी बड़ी सोच समझ कर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीनों चीजें पसंदीदा तीनों चीजें आ गई, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे और मेरे आका मुझे भी 3 चीजों से प्यार है, 3 चीजों से मोहब्बत है, तामरून बिल मारूफ फरमाया लोगों को नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों पे आमादा करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए कहता रहूं, अच्छाइयों पे आमादा करता रहूं, मेरी सारी उम्र की यही तमन्ना है। वो फारूक जो मुराद मुस्तफा है दामाद मुर्तजा है, सारे सहाबा इकराम का इश्क का मजहर है, इस्लाम की जान है, फरमाते हैं मैं तो एक चीज सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ तामरून बिल मारूफ कर और बुराई से लोगों को मना करता रहूं। आज अगर सिर्फ अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से मना ना करो तो किसी से बिगाड़ नहीं होता, कहते रहो कि नमाज पढ़ो रोजा रखो अल्लाह अल्लाह करो कोई नहीं, झगड़ा ये होगा जब किसी को आप कहेंगे फिल्म क्यों देखता है, जुआ क्यों खेलता है, शराब क्यों पीता है, जिना और बदकारी क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है, हरामखोरी क्यों करता है, जब झगड़ा होगा
तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला इन चीजों से घबराने वाले नहीं थे। उनका मिजाज तो ऐसा, फरमा जंगे बदर के मौके पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फारूक आजम ने अपने मामू का एक पैर नीचे दबाया हुआ है और एक पैर हाथ में पकड़ा हुआ है, बीच से फाड़ रहा है मक्के का बहादुर। हाँ हाँ, इस्लाम के दुश्मन को फारूक चीर के रख दिया करता था। हुजूर की नजर पड़ी, फरमाया फारूक ये तो तेरा मामा मालूम होता है। अर्ज किया मेरे अड़ी, फरमाया फारूक ये तो तेरा मामा मालूम होता है। अर्ज किया मेरे आका, जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये मामे नामे थे, जब आपसे जुड़ गई है जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। काय की रिश्तेदारी, काय की ताल्लुकदारी, जो दीन का दुश्मन है, जो कुरान का दुश्मन है, जो इस्लाम और ईमान का दुश्मन है, वो किस किस्म की रिश्तेदारी है? सहाबा इकराम ने इन शुबहात को खत्म करके दिखाया। अबू बैदा सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमान बन गए। जंगे बदर हुआ, इनके वालिद जर्राह उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने। तवज्जो करना, अगर से जर्रा बाद में तो मुसलमान बने, सहाबी को अब मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा। मैदान बदर में आया अबू बैदा का वालिद और कहने लगा कि आओ मेरे मुकाबले में कौन आता है, मेरे मुकाबले में आओ कौन आता है। अबू बैदा पहचानते तो ठीक, मेरा बाप है, मेरा वालिद है। और मैदान खाली भी नहीं था, सहाबा इकराम से मैदान भरा हुआ है, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। उसने अपने बेटे का नाम लेकर तो नहीं ललकारा था, इसका नाम है दीन, इसका नाम है ईमान। जर्राह ने ललकारा मुसलमानों के लश्कर को, अबू बैदा खड़े हुए में तो यार सुनला मुझे इजाजत दो मैं जाता हूं, बाप के मुकाबले के लिए मैं जाता हूं। हुजूर ने मुस्कुराया, फरमाया पहचाना नहीं, भगवान सुनिए पहचान कर ही बुझा रहा हूं कि तेरा बाप है वो। तो कहा यही तो बताऊंगा दुनिया को कि ईमान के मुकाबले में बाप की कोई हकीकत नहीं, यही तो बताना। जल्लाह ने आवाज दी, आ मेरे मुकाबले में। अबू बैदा तलवार लेके आए रजी अल्लाह ने कहा आ गया, फिर अब बात है मुकाबले में, फिर तेरा ही लक्ष्य जिधर आया अब ठहर जा। खुदा की कसम जल्लाह का सर था, अबू बैदा ने तलवार का वार कर दिया। ये लोग दमपिली बनाया करते थे, जो जुबान से ठोकते फैर तुम करते हो, इन लोगों की बुराई करते हैं लोग जिन्होंने ईमान की वजह से बाप की तलवार चला दी, ईमान की वजह से मामू को फाड़ मारा। और सिद्दीक अकबर और उनका बेटा एक जगह बैठ के खाना खाने लगे, बेटा कहने लगा बाप फला बदर के दिन में मैं मुसलमान उस वक्त नहीं था, मेरी तलवार के नीछे आप आ गए थे, अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की जात की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तेरे टुकड़े करके छोड़ता। ये तो इस्लाम की जान थे सहाबा, इस्लाम की जड़ है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दीवाने। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते मेरे आका मुझे तीन चीजों से बड़ा प्यार है, तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं। वतनहूनानिल मुनकर लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। फरमाने को चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं, बड़े तेज तबीयत थे फारूक आजम और मिटा के दिखाया, मिटा के दिखाया। जब ये मौका है ना फारूक को तैयार होकर से पहले चमकती थी, बहादुर का ना मक्के का आखिर तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं
मुझे पसंद है पुराना कपड़ा, पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी। खिलाफत का जमाना है, ये नहीं गुर्बत थी। सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं, वो उस जमाने की बात है। बहन से सोना, दसरों किसरों के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने रूमते देखे। शहनशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। बड़े बड़े बादशाहों के ताज रूले फारूक की ठोकरों में। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत फुदैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रजी अल्लाह तआला अन्हा, फारूक की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो जरूरत नहीं होती, तेरे अंदर क्या हाल कर रखा है अपना? दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, लोग दुर्वेश बना बैठा पेवंद लगे हुए कपड़ों में, खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदल ले, हमें तो डर लगता है। सैयद हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फुतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना रूपा घूमता है, ये हालत कुछ तब्दील करो थोड़ी बहुत ही, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आजम ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मज़हरे मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी, ताट गबल की जिसको आधा हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आधी को बिछा लिया करते थे। हजरत हफ्सा फरमाती है, कई मरतबा मैंने जौ की रोटी पका के दी, हुजूर के हलक में कई मरतबा चुभी और वापिस आई। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने रो दिया, ओ हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद ना किया। फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की दो रोटियां रखी है, अपने आप को कहने लगी, ओ फारूक जब तक उम्मत का हर आदमी छोटा बड़ा अमीर गरीब बूढ़ा जवान मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है? नबी का सफर है, बाप बाईस लाख मरबा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल से लेकर त्राबलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोनी के सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो मेरी हुकूमत पर रहने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहां गए वो सोचने वाले, कहां मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले? अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, अंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है।
सीदना उस्मान बिन नूरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठ गए हुए और अर्ज करने लगे अल्लाह ओ मेरे आका, मुझे तीन चीजों की बड़ी मोहब्बत है, मुझे तीन चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद को इतना प्यार आया, फरमाया ओ उस्मान दा आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में एक रसात में कभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे, एक रात में एक रकात में, हाँ एक रकात में। उस्मान बिन नूरैन शहीद मदीना इमाम मजलूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे? रुखसारों पे आंसुओं में बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहाँ तक के शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात तो मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान। सबसे ज्यादा अजीज कर सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। हर सैयदना उस्मान कहते हैं दूसरी फरमान मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरजू है यही हसरत है। कहता उस्मान की रोटी हो गरीब का पेट हो। हमारे यहां तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए दूसरा फकीर आ जाए, ओ हो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से रास्ता दे दिया छह महीने उसका गीत गाते हैं मेरे मेरे आगे। मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में दो फेर रास्ता उसके बच्चों को दे के आया, तुमने दोसर दे दिया उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया उसका कभी गीत गाया? पांच रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे पांच लाख और पांच हजार और पांच सौ दिया वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी, इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे है, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियां एक माँ की औलाद है हम, भाई ज़कात देने वाला बन गया बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहूं। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुश नसीब थी, तुमने बीसियों मरतबा इमाम अंबिया ने बूबे की ब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से कांधला किराना जाने के लिए पैदल सफर कर रहा था, चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, शाम हुई मैं वहां ठहर गया। मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद की सफाई की और अजान दी, कोई ना आया। मगरिब की अजान दी तो एक आदमी आया, जमात कर ली। ना होटल था ना कोई दुकान थी, मैंने सोच लिया आज पानी पीकर गुजारा कर लूंगा, ये भी सब्र करने वालों की बात है, वरना जनाब बैठकों के दरवाजे खटखटाना भी कोई बड़ी बात नहीं। मौलाना ने सोचा आज तो पानी पी के सो जाऊं। कुछ देर के बाद एक आदमी आया और उसने तीन रोटियां लाकर के मौलाना को दी। हल्क मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से हैं,
इतना मुत्तकी और परहेजगार था, इतना मुत्तकी और परहेजगार था कि उस वक्त हिंदुस्तान के उलामा उसके तकवे पे फख्र किया करते थे। हलीमा सादिया नबी को दूध पिलाने वाली माई के कदमों में दफन हुआ। मौलाना फरमाते हैं तीन रोटियां लेकर एक आदमी आया, मैंने खा ली, ईशा की नमाज पढ़ी और सो गया।